मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, बुंदेलखंड वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 400 पार करनी है या नहीं करनी है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ सभी हाथ उठाइए, 400 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भाई कैमरा वाले सेट करके बैठ जाओ, जरा प्लीज बैठ जाइए। मंच पर उपस्थित, अरे भाई वो उनका काम कर रहे हैं, प्लीज जरा सेट कर बैठ जाए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, जो यहीं के लोकप्रिय सांसद है, हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और इस क्लस्टर के इंचार्ज श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, संभाग के प्रभारी चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी, हमारे संगठन मंत्री श्रीमान हितानंद जी, और आज बुंदेलखंड की इस वीर भूमि पर, खजुराहो की ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए मेरी पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले खजुराहो की इस भूमि पर मातंगेश्वर महादेव को प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। 64 योगिनी कंदरिया महादेव और जगदम्बा मंदिर, उसमें विराजमान सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और जब मैं यहां आया हूं तब बुंदेलखंड, जिसने देश की आजादी के लड़ाई में मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक हमेशा देश को आजाद करने के लिए अपना खून बहाया, वो सभी वीरों हुतात्माओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज मैं यहां पर क्लस्टर के 23,000 बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए मैं आया हूं। ये जो सम्मेलन बुलाया है विजय का संकल्प लेने का, ये सम्मेलन 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने के संकल्प का सम्मेलन। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश के अंदर ढेर सारे परिवर्तन किए हैं। ये 10 साल भारत के विकास के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल भारत के 60 करोड़ गरीबों के कल्याण के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल भारत को सुरक्षित कर आतंकवाद से मुक्त करने वाले 10 साल रहे। ये 10 साल भारत की महिला शक्ति को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर सम्मान देने के 10 साल रहे।
भाइयों और बहनों, इसी 10 साल में भारत ने चंद्रमा पर पैर रखा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का चंद्रयान पहुंच नहीं पाया था, वहां शिव शक्ति पॉइंट बनाकर भारत के तिरंगे को फहराने का काम भारत के नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मैं आज यहां आया हूं तब मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में आपके सामने आए, 29 में से 27 सीटें दी, 19 में आए 29 में से 28 दी, और अभी अभी विधानसभा के चुनाव में आए, सारे रिकॉर्ड तोड़कर फिर से एक बार कमल की सरकार आपने बनाई। मेरे सभी मतदाताओं को मैं बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनंती करने आया हूं। 19 में एक बच गई थी, 19 में एक बच गई थी, 24 में 28 की 29 की 28 की 29 की 29 सीटें देकर मोदी जी की झोली भर दीजिए।